जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल विवेक ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं फिर चिकन लेग पीस। तो दोस्तों, चूंकि चिकन लेग पीस के बारे में हम पहले भी एक वीडियो लेकर आए थे, लेकिन उसमें बताए थे कि चिकन जो है वो कढ़ाई में कैसे बनाते हैं, लेकिन आज आपको बताएंगे कि चिकन कुकर में कैसे स्वादिष्ट तरीके से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन आ चुका है दोस्तों, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर में दो लेग पीस रखा हुआ है। अब दिखाएंगे इसका फ्राई करने का प्रोसेस कि इसको कितना अच्छा एकदम बढ़िया तरीका से फ्राई करेंगे। तो चलिए अब फ्राई करने की ओर जाते हैं। चिकन में हल्दी मिला रहे हैं दोस्तों, बढ़िया तरीका से इसमें हल्दी मिला लेंगे। तो दोस्तों, पूरा मसाला चिकन का तैयार हो चुका है। ये प्याज है दोस्तों, ये तेजपत्ता है, ये कटी हुई मिर्ची है, ये अदरक है, ये पिसी हुई मिर्ची है, ये जीरा गोलकी है, और ये जो है ये है कटी हुई लहसुन है। और आपको दोस्तों नज़दीक से दिखा देते हैं, ये जो है ये जावित्री है, ये दो छोटी इलायची है, ये बड़ी इलायची है दोस्तों, ये दालचीनी है, और ये दो तीन पीस चार पीस जो है ये है लौंग है। ये जो गरम मसाला का सामग्री है दोस्तों, इसको हम थोड़ा दरदरा कूट लेंगे, क्योंकि सब इसका पेस्ट बनाकर चिकन का ग्रेवी में डालता है, लेकिन हम इसको पहले ही तेल में डालेंगे। इसको तेल में इसलिए पहले डालते हैं दोस्तों ताकि इसका जो चिकन का स्वाद है एक अलग अंदाज में लगता है। तो चलिए, इसको जब तक दरदरा कूटेंगे तब तक हम कुकर को चढ़ा लेते हैं। कुकर को गर्म करने के लिए चढ़ा चुके हैं दोस्तों, जब तक ये गर्म होगा तब तक उधर हम मसाला को दरदरा थोड़ा कूट लेते हैं। कुकर मेरा गर्म हो चुका है दोस्तों, अब इसमें तेल डाल देते हैं। अब इसमें हम हींग डालने जा रहे हैं। गर्म मसाला जो कूट के तैयार किए उसको डाल रहे हैं, उसके बाद कटी हुई मिर्ची, उसके बाद प्याज को डाल रहे हैं, उसके बाद तेजपत्ता डाल रहे हैं। अब इसको थोड़ा देर तक चला लेते हैं दोस्तों। अब प्याज थोड़ा सुनहरा हो चुका है दोस्तों, अब इसमें हम कटा हुआ लहसुन डालेंगे। मेरा प्याज और लहसुन अच्छी तरह से भुना जा चुका है, अब इसमें हम चिकन को डालेंगे। अब थोड़ा हल्दी डाल लेते हैं दोस्तों, हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम पहले हल्दी डाल चुके हैं, और अब स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं। इसके बाद थोड़ा देर तक हम चला लेंगे। देखिए दोस्तों, चिकन अच्छी तरह से भुजा जा चुका है, अब इसमें ढक्कन लगा देते हैं, और एक सीटी लगाने तक ढक्कन लगा हुआ रहेगा। देखिए दोस्तों, एक सीटी मार चुका है, अब इसका थोड़ा गैस निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, गैस निकल चुका है, और इसका ढक्कन खोल के थोड़ा अदरक देख के भून लेंगे। अदरक डाल के थोड़ा भून चुके हैं, अब मिर्ची का पेस्ट डाल लेंगे, उसके बाद भी थोड़ा चला लेंगे थोड़ा देर तक। अब थोड़ा हल्का गर्म पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाना है। यदि आपको ज़्यादा ग्रेवी बनाना होगा तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब थोड़ा जीरा गोलकी डाल देंगे, उसके बाद धीमी फ्लेम में 2 मिनट तक लगभग रखेंगे, पका लेंगे। चिकन मेरा तैयार हो चुका है दोस्तों, अब इसमें चिकन मसाला डाल करके इसको उतार लेंगे। ये देखिए दोस्तों, चिकन बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा सुगंध आ रहा है।
तो इस तरह से आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं बना करके। अब इसको थोड़ा टेस्ट करा के दिखा देखते हैं कि कैसा लगा। ओ, टेस्टी, लाजवाब लाजवाब बना है, सुपर है। गरम भी है भाई, गजब गजब। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।